हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट टेक्निकल चैनल MMB होटेक। मैं हूं इंजीनियर राहुल वाजपेयी और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सीरीज के नए वीडियो लेक्चर में, जिसका टाइटल है सरफेस ऑफ प्लेन पैरेलल टू BP एंड परपेंडिकुलर टू द HP। तो इस टाइटल से संबंधित कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को ज़रूरत है एक न्यूमेरिकल की, जो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने ले लिया है। इस न्यूमेरिकल में जो इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं, जिसकी वजह से मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, वो बातें मैं यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। दिया गया है कि स्क्वायर, इसका नाम है ABCD, और स्क्वायर के एक भुजा की लंबाई दी गई है 40 मिलीमीटर, यानी चारों भुजाएं स्क्वायर की होंगी, चारों की जो लेंथ होगी 40 मिलीमीटर होगी। अब जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है उसकी चारों भुजाएँ बराबर होती हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि वर्ग जो है या जो स्क्वायर है उसका कोना जो है HP में रखा हुआ है, क्योंकि जब कोना HP में रखा हुआ है तो उसकी दूरी HP से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और भुजा की ऊर्ध्वाधर तल से यानी साइड जो है उसकी वर्टिकल प्लेन से दूरी दी गई है 20 मिलीमीटर। और नेक्स्ट एक बात और है, वो बताई गई है कि जो प्लेन है वो क्या है, आपका HP के लंबवत है और VP के समानांतर है, ठीक है, ये प्रश्न में बताया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आपका जो वर्ग होता है या स्क्वायर होता है, इसके दो शेप होते हैं, पहला ये वाला शेप और दूसरा शेप ये। तो आपको सबसे पहले क्लियर रहना है कि आपको एग्जाम में कौन सा शेप ड्रॉ करना है, ये वाला या ये वाला, ठीक है। तो मैंने अपने फर्स्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसके बारे में बताया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखकर इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। और एक बार मैं आपको फिर यहाँ पर बता देता हूँ कि जब भी जो है हम लोग बात करेंगे कि कॉर्नर की बात जब भी होगी प्रश्न में, तो आपको ये वाला शेप ड्रॉ करना है, ठीक है। और जब बात जो है साइड या एज की होगी तो आप इस तरह का शेप आप ड्रॉ करेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो चूंकि आज के प्रश्न में बात की गई है कॉर्नर की, तो आपको ये वाला शेप लेके चलना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पिक्टोरियल व्यू की ओर, जहाँ पर इस प्लेन की कंडीशन को अप्लाई करेंगे उसमें करके, और विजुलाइज करेंगे कि कैसे उस प्लेन की कंडीशन है रेफरेंस प्लेन से। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं रेफरेंस प्लेन HP और VP। तो ये दो रेफरेंस प्लेन हो गए, ये VP है आपका, ये HP है, और ये XY लाइन है जो दोनों प्लेनों को 90 डिग्री पर जोड़ती है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक प्लेन जो बताया गया है आपको प्रश्न में, ये प्लेन हो गया ABCD प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन की दूरी दी गई है VP से 20 मिलीमीटर, तो इसका ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर की XY लेंथ से दूरी हो जाएगी 20 मिलीमीटर, ठीक है। और आप सब लोग जानते हैं कि जो ऑब्जर्वर जो होता है हमेशा राइट साइड में होता है, और जब ऑब्जर्वर यहाँ से इस प्लेन पर टॉर्च के थ्रू लाइट डालेगा तो इसके जो प्रोजेक्शन होंगे वो आपको इस प्लेन पर मिल जाएंगे। और जब आप इन प्रोजेक्शंस को ज्वाइन कर देंगे तो आपको इसका ट्रू शेप दिखाई दे जाएगा, क्योंकि बोला भी गया है प्रश्न में कि जो स्क्वायर है आपका वो बीपी के क्या है, बीपी के पैरेलल है, ठीक है। और आपको जानते ही हो, या आपको मैंने लाइन सीरीज में बताया था इस और आज के जो वीडियो है, ठीक है, इसका जो मैंने आपको बेसिक वीडियो उसका बनाया था इस सीरीज का, उसमें भी मैंने बताया है कि जो आपका प्लेन है, ठीक है, जिस भी प्लेन के क्या होगा वो, या इंक्लाइंड हो या पैरेलल बताया जाए, तो उसकी ट्रू शेप आपको पहले जो है उसी प्लेन में बनानी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बात की गई है कि आपका जो प्लेन है वो बीपी के क्या है, समानांतर है, तो उसकी ट्रू शेप और ट्रू लेंथ आपको वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर तल में दिखाई देगी आपको, ठीक है। और जब टॉप व्यू के लिए जब आपका ऑब्जर्वर यहाँ ऊपर आएगा, ऊपर से जब वो टॉर्च के थ्रू लाइट डालेगा इस पर, तो उसको जो है ऊपर से कोई ये लाइन दिखाई देगी और ये लाइन दिखाई देगी, ठीक है। और आप जानते हो प्लेन की कोई मोटाई नहीं होती है, ठीक है, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इसका जो प्रोजेक्शन होंगे वो HP पे इस तरह से आ जाएंगे, ठीक। और आपको दोनों प्रोजेक्शन को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर, इसका मतलब क्या होगा, जब ऑब्जर्वर इसको ऊपर से देखेगा तो उसे केवल एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, इसके टॉप व्यू की। और आपको ये मैंने बताया, जो ये जो है ये आपका है पिक्टोरियल व्यू, एग्जाम में आपको ये नहीं बनाना होता, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया है कि जब आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे, तो आगे की जब हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे तो हम इसको नहीं बनाएंगे, सीधा ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ किया करेंगे,
जो ही एग्जाम में पूछा जाता है, हमें एग्जाम में वही ड्रॉ करना होता है, ठीक है। यह मैंने आपको विजुलाइज करने के लिए यहाँ पर बताया है। तो अब क्या करना होता है, अब हम जो इसके बाद इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और टॉप व्यू को जो है वीपी पे लेके आएंगे। आपका एचपी में आपको टॉप व्यू मिला है, इसको हमें क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाकर वीपी पे ले आना है, ठीक है। तो आपका जो टॉप व्यू है, आप देखो यहाँ से, ये आपका ड्रॉ होगा एक्सपेरियंस से 20 मिलीमीटर नीचे, क्योंकि इसकी दूरी दी गई है कितनी, प्लेन की दूरी दी गई है 20 मिलीमीटर, और प्लेन के जस्ट नीचे ही आपको बनेगा टॉप व्यू, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी पिक्टोरियल व्यू की। अब हम बढ़ते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू की ओर। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ही एक्सपायर लाइन होती है, इस लाइन की हम लेबलिंग कर देंगे। और आप जानते हो एक्स वाई लाइन के ऊपर होता है वीपी और नीचे होता है एचपी, तो हम ये इसे नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो आपने लास्ट स्लाइड में देखा था कि इसका जो फ्रंट व्यू है डायरेक्ट जो है एक्स वाई उस लाइन से बनना स्टार्ट हो गया था, तो हम यहाँ से एक्स वाई लाइन से इसका फ्रंट व्यू बना देंगे। सबसे पहले आपको एक बार ध्यान रखिएगा, आप वो व्यू बनाएंगे, ठीक है, जो जिस मतलब आपको फ्रंट व्यू एचपी में से वो व्यू पहले बनाना है जिस व्यू में ऑब्जेक्ट की यानी प्लेन की आपको ट्रू शेप दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको वर्टिकल प्लेन में ऑब्जेक्ट का ट्रू शेप और ट्रू लेंथ मिल रही थी, इसलिए हमने पहले जो है फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है, ठीक है। फ्रंट व्यू में आप जब आप वर्टिकल प्लेन में आपका बना फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू क्या था आपका, ट्रू शेप एंड साइज का था ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दिया है, अब इसकी हम एक बार डायमेंशन शो कर देंगे, ठीक है। अब इसकी लेवलिंग कर देते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ठीक है। अब आपने देखा था लास्ट स्लाइड में कि जो इसका टॉप व्यू है वो नीचे बनेगा एक्स वाई लाइन से 20 मीटर नीचे, तो हम यहाँ पे एक्स वाई लाइन के 20 मीटर नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो एक्स वाई के पैरेलल होगी। एक बात और है कि चूंकि आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आप जैसे आपको लास्ट स्लाइड पे भी नहीं जाना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि प्लेन की दूरी दी गई है वीपी से कितनी, 20 मीटर, तो इसलिए हमने जो है ये 20 मीटर नीचे वीपी से एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। अब इस लाइन की दूरी बता देंगे एक्स वाई लाइन से। इसके बाद ये जितने भी कॉर्नर्स थे इनसे हमें लेना है प्रोजेक्शन इस लाइन पर। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पॉइंट से लेंगे, ठीक है। अब सी डैश से ले लिया है, अब ये ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ठीक है, जो इनसे आपने जो प्रोजेक्शन लिए थे और जो आपने नीचे वाली लाइन पे आपने ड्रॉप किए थे, तो एक बार इनकी भी लेवलिंग कर देते हैं। अब इन सारे जो पॉइंट्स इनको एक बार ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका टॉप व्यू, ठीक है। आई होप आपको आज का न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। वीडियो के आखिर तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।